हेलो फ्रेंड्स और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे कामों के लिए हमें साइट पर जाना पड़ता है, जैसे कि क्लाइंट के मोबाइल में कोई एप्लीकेशन में सेटिंग करना हो, मोबाइल में DVR को ऑनलाइन करना हो या IP कैमरा कॉन्फ़िगरेशन करना हो, इन छोटी मोटी सेटिंग्स के लिए हमें खुद साइट पर विजिट करना पड़ता है या किसी टेक्नीशियन को या इंजीनियर को भेजना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन मेरे साथ आती है ना, तो मैं बिना साइट विजिट किए अपने घर से या अपने ऑफिस से या मैं कहीं पर भी रहूँ, ट्रेन में रहूँ, बस में रहूँ, वहीं से मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही इन छोटी मोटी सेटिंग्स को, इन छोटे मोटे कामों को मैं कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। और वो तरीका क्या है, मैं कैसे करता हूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो यार, फ्री ऑफ सब्सक्रिप्शन है, कोई चार्ज नहीं है। रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन के बारे में तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। रिमोट एक्सेस के लिए जैसे कि कोई भी PC किसी PC से अगर एक्सेस करना है तो एनी डेस्क या टीम व्यूअर ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती थी। इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप कहीं से भी किसी के भी PC से आप एक्सेस लेकर उस PC में जो काम करना है आप कहीं से भी बैठ के अपने PC से कर सकते थे। लेकिन ये एप्लीकेशन सिर्फ PC के लिए अवेलेबल था, PC के लिए लोग जानते ही कैसे करना है, लेकिन मोबाइल का भी इसका वर्जन है एनी डेस्क का, कि आप मोबाइल फ़ोन से ही किसी के भी PC को या किसी के मोबाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके PC में और उसके या उसके मोबाइल में आप अपने मोबाइल से जो चाहे काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि इस मोबाइल वर्जन को एनी डेस्क के कैसे यूज़ करना है, कैसे इसमें PC को एक्सेस करना है या किसी और मोबाइल को एक्सेस करना है या किसी PC से मोबाइल को कैसे एक्सेस करना है, ये सारी बातें डिटेल में आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन पर जाकर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं इस चैनल पर हमेशा बनाते रहता हूँ। तो मैं हूँ इस्माइल मनेरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल iVision Systems। हाँ तो दोस्तों, आपको दोनों भी मोबाइल में जिस मोबाइल को एक्सेस करना है उस मोबाइल में भी और जिस मोबाइल से एक्सेस करना है उस मोबाइल में भी या दोनों भी PC में, जिस PC को एक्सेस करना है उस PC में भी या जिस PC से एक्सेस करना है उस PC में भी एनी डेस्क इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मैं अब मेरे मोबाइल से मेरे PC को यानी मेरे कंप्यूटर को मोबाइल पे एक्सेस करके आपको दिखाऊंगा, उसके बाद कंप्यूटर से मोबाइल को भी एक्सेस करके दिखाऊंगा। तो मैं एनी डेस्क ओपन कर लेता हूँ मेरे मोबाइल में भी और मेरे कंप्यूटर में भी। तो यहाँ पे देखिए यूअर एड्रेस बता रहा है और रिमोट एड्रेस बता रहा है। और यहाँ पर कंप्यूटर में भी आपको एंटर रिमोट एड्रेस और यूअर एड्रेस, ये दो तरह के आपको ऑप्शन बताया जाता है। अगर आपको इस मोबाइल से इस कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो इस कंप्यूटर में जो यूअर एड्रेस बता रहा है इस एड्रेस को आपको यहाँ पर रिमोट एड्रेस में एंटर कर देना है, या अगर आपको इस मोबाइल को कंप्यूटर से एक्सेस करना है तो इस मोबाइल में जो यूअर एड्रेस बता रहा है इस एड्रेस को यहाँ पर कंप्यूटर में एंटर रिमोट एड्रेस की जगह पर एंटर कर देना है। अभी मैं इस PC को इस मोबाइल में एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो ये जो एड्रेस है इसको मुझे यहाँ पर मोबाइल में एंटर करना पड़ेगा। ये मैंने एंटर कर लिया, इसके बाद इस एरो पे मुझे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर मोबाइल में आपको कनेक्टिंग बता रहा है और PC पे आपको इस तरह का मैसेज को बॉक्स ओपन हुआ है और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना, या तो आप डिसमिस करना चाहते तो डिसमिस कर सकते हैं, अगर एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका रिमोट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर वेटिंग फॉर इमेज आ गया, तो ये अभी PC मेरा इसमें एक्सेस हो चुका है। हाँ तो ये मोबाइल में अभी कनेक्ट हो चुका है। अब मोबाइल में कैसे आपको ऑपरेट करना है, ये जो राइट साइड में आपको सिंबल बता रहा है इस सिंबल को आपको टच करके होल्ड करके रखना है और उसको स्लाइड करना है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन बता रहा है, सेटिंग है, कीबोर्ड है, आपको जिस ऑप्शन में जाना है, जैसे आपको कीबोर्ड ओपन करना है तो कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर लाना है, फिर यहाँ पर स्लाइड करना है और इस पर ला के आपको छोड़ देना है तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको कीबोर्ड को क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं और माउस कर्सर को आप अपने मोबाइल में टच से ही जहाँ मर्जी ला सकते हैं।
अभी इसको मुझे मिनिमाइज़ करना है, तो यहाँ पर मैं माउस कर्सर को लेके आया हूँ और उसके बाद एक टैप कर दिया। अभी इसको भी मुझे मिनिमाइज़ कर देना है, तो यहाँ पर लाके एक टैप कर दिया, क्लिक कर दिया, ये मिनिमाइज़ हो गया। अब मेरे पीसी में जो भी मुझे एप्लीकेशन ओपन करना है, इस माउस कर्सर को मैं अपने मोबाइल में टच से ही, टच स्क्रीन से ही उस माउस कर्सर को वहाँ पर लाकर मैं उस एप्लीकेशन पर लाकर, जैसे कि CMS सॉफ्टवेयर है, इसको मुझे ओपन करना है, तो इस पर माउस कर्सर लाके इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। सर इसको डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो गया। अब इस पर मुझे एस पे लाके एस पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं जो जो मैं मोबाइल में कर रहा हूँ वो सेम एज इट इज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। अभी इस पर यहाँ पर मुझे पासवर्ड एंटर करना है, तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा ये कीबोर्ड ओपन हो रहा है, लेकिन ये अभी मैंने इसमें सेटिंग किया हो ऑटो कीबोर्ड की, तो इसलिए ओपन हो रहा है, नहीं तो आपको यहाँ से ही ओपन करना पड़ता है। अभी ऑटो कीबोर्ड कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, सेटिंग में गए, सेटिंग पर लाकर इसको छोड़ देना है। यहाँ पर इनपुट है, इनपुट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक एनेबल ऑटोमेटिक कीबोर्ड, इसको एनेबल करेंगे तो कीबोर्ड ऑटोमेटिकली आपका ओपन होएगा। कंट्रोल माउस एंड कीबोर्ड, इस पर भी क्लिक करना है। सिंक्रोनाइज क्लिप बोर्ड पर क्लिक करना है तो कर सकते हैं। ब्लॉक यूजर्स इनपुट, इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो यूज़र है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो अपने पीसी में कोई भी मतलब ऑपरेटिंग नहीं कर सकता, ना माउस ऑपरेट कर सकता है ना कीबोर्ड ऑपरेट कर सकता है, सिर्फ आप ही यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं अगर इसको एनेबल कर दिया तो। मैं अभी इसको एनेबल नहीं करता हूँ, फिर से बैक जाइए। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिस्प्ले में क्वालिटी है, बैलेंस है, स्पीड है, ये सारे ऑप्शन भी इसमें मिलते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अभी इसको ओपन करना है, लॉगिन पर मैं माउस के कर्सर को ले आया और इस पर एक बार टैप कर दिया, ये ओपन हो रहा है। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप इसी तरह से कोई भी काम पीसी में जैसे करते हैं तो वैसे मोबाइल से उस पीसी को एक्सेस करके आप कर सकते हैं। इसको चाहे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको अगर फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो इसको आप जूम भी कर सकते हैं, इस तरह से दोनों उंगलियों से इसको फैला के आप इसको जूम भी कर सकते हैं, जूम करके भी अपने स्क्रीन को आप देख सकते हैं, इस तरह से आप जूम करके भी देख सकते हैं मोबाइल में अगर फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो। ये तो आप समझ गए होंगे कि आपके पीसी को मोबाइल से कैसे एक्सेस करना है। अब मैं पीसी से इस मोबाइल को आपको एक्सेस करके बता देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन इसमें खुल गया। अभी इस एप्लीकेशन में आप जो चाहे सेटिंग यहाँ से मोबाइल फ़ोन से आपने कर सकते हैं। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब इस मोबाइल फ़ोन को मैं पीसी से कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ। आपके पीसी में यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए पहले। इस मोबाइल को मैं पीसी पे एक्सेस करके दिखाऊंगा, तो जो मोबाइल का एड्रेस है, जो यूअर एड्रेस बता रहा है, वहाँ उसको यहाँ पे कंप्यूटर में आपको एंटर कर देना है। एंटर करके यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको मोबाइल से एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर परमिशन जो मैंने ऑन की है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी परमिशंस ऑफ रहती है, तो इस परमिशन को आपको ऑन करना है, इसके बगैर आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो मोबाइल फ़ोन में इस सभी को आपको परमिशन ऑन कर देना है और उसके बाद एक्सेप्ट कर देना है। अब जैसे एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए। अब ये आपका मोबाइल कंप्यूटर में एक्सेस हो रहा है। आपको अगर इस पर परमिशन फिर से अगर परमिशन से एडिट करना है तो इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है और परमिशंस पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो चाहे परमिशन आप ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मोबाइल को भी किसी भी पीसी से एक्सेस कर सकते हैं और पीसी को भी अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा मैं कमेंट में ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।
तो मेरा चैनल और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं इस चैनल पर बनाते रहता हूँ और CCTV के ट्रिक्स और टिप्स के भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मैं बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।